रायपुर से अपने छोटा हाथी वाहन में ऑयल लेकर अंबिकापुर के भैयाथान जा रहे व्यक्ति को चार बाइक सवारों ने लूट लिया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है, जहां सुतर्रा के पास वाहन के पंचर होने पर लुटेरे मौके पर पहुंचे और उसकी मदद करने का झांसा देकर गलत रास्ता बताया, फिर उसके हाथ बांधकर 3,000 रुपए नकदी रकम और वाहन को लेकर फरार हो गए। वाहन में करीब 5 लाख रुपए का ऑयल था। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। कोरबा में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चले हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राह चलते लोगों को भी उनके द्वारा लूट लिया जाता है। ऐसा ही एक घटना कटघोरा थाना क्षेत्र में सामने आई। सुतर्रा के पास बाइक सवार चार युवकों ने एक छोटा हाथी वाहन के चालक को लूट लिया। वाहन चालक संतोष साहू ने बताया कि वह रायपुर से ऑयल लेकर अंबिकापुर के भैयाथान जा रहा था। सुतर्रा के पास उसकी वाहन पंचर हो गई, जिसके कारण वह रुक गया और सड़क पर खड़ा रहा। इस दौरान लुटेरे उसके पास आए और मदद की पेशकश की। टायर बदलने के बाद लुटेरों के बताए रास्ते पर जब वह चला, तब कुछ दूर जाकर लुटेरों ने उसे रुकवाया और हाथ बांधकर 3,000 रुपए लूटने के साथ ही उसकी वाहन को लेकर फरार हो गए। चालक ने बताया कि उसकी वाहन में 5 लाख रुपए कीमत ऑयल मौजूद था। कटघोरा थाने में मामले की शिकायत की गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रायपुर से ऑयल लेके जा रहा था भैयाथान, तो सुतर्रा के पीछे में मेरा गाड़ी पंचर हो गया। दो मोटरसाइकिल में आए, चार लोग बोले मदद कर देते हैं बोल के, और मैंने स्टेपनी चेंज किया। स्टेपनी चेंज करने के बाद में ये शॉर्ट कट रास्ता है बोल के और मेरे को ले गए और मेरा 3,000 रुपये पैसा लूट लिए और वो 500 मीटर ले दूर में ले जा के हाथ वाथ को बांध दिए, मुँह को भी बांध दिए थे। क्या क्या लूट के गए आपके पास? मेरा गाड़ी ले लिया है, 20 गाड़ी में 20 बाल्टी था ऑयल का, एक ड्रम था और 10 कार्टून वायर था, 3 मेट था। कितने का होगा लागत? कम से 5 लाख रुपए बता रहे हैं सर। अज्ञात लुटेरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अज्ञात लुटेरे पुलिस की पकड़ में कब तक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़।